जय हिंद दोस्तों, तैयार हो जाए एक और शानदार वैकेंसी के लिए। जी हां साहिबान, ये वैकेंसी आपकी आई है हेडक्वार्टर झारखंड एंड बिहार सब एरिया दानापुर कैंट के लिए। साहिबान ये ऑल ओवर इंडिया कैंट की वैकेंसी रहने वाले, यानी इसमें सभी कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। इसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है, जिसका इंटरव्यू 15 जून 2024 को लिया जाएगा। तो इसका आप ध्यान में रखते हुए इसके अंतर्गत में दोस्तों आपको ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, लिफाफा कैसे भर के भेजना है, वो सारी जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों ये जानकारी आप ज़रूर नोट करके रखिए, क्योंकि सारे कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करते हैं, लेकिन जो सही से फिलअप करेगा उसी के लिए एडमिट कार्ड आएगा। तो चलते हैं इस वैकेंसी में कौन कौन से पद रहने वाले हैं। तो दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ, बिलिंग ऑपरेटर, हेल्पर, गार्ड और अन्य के पदों पर वैकेंसियां आई है। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको कैंटीन के अंतर्गत डिटेलमेंट दी जाएगी। चलते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत आपकी एजुकेशन कितनी मांगी गई है। तो दोस्तों 10वीं पास आपका सिर्फ होना चाहिए, महिला और पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर पाएंगे। टोटल पोस्ट की बात करूँ तो 34 टोटल पोस्ट आपकी इसमें रहने वाले हैं। आवेदन शुल्क आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों इसमें और डिटेल से क्या क्या मांगा गया है बात करते हैं। दोस्तों इसके अंतर्गत आप अप्लाई कब से कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके अंतर्गत अप्लाई आप ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट की बात करें तो इसके अंतर्गत दोस्तों लास्ट डेट यानी इसके अंतर्गत डायरेक्ट इंटरव्यू रहने वाला है। तो दोस्तों 15 जून से पहले पहले जितना हो सके उतना जल्दी आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको इंटरव्यू की डेट ऑलरेडी रिलीज कर दी गई है कि कब तक आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे की बात कर लेते हैं। जनरल, ओबीसी और ईवीएस के किसी से भी क्या एप्लीकेशन फ़ीस इसमें नहीं ली जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको जो ऑफलाइन फॉर्म मिलने वाला है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों इसका वैसे चार्ज लेते हैं, आप किसी भी साइट से लीजिएगा। मैं भी दोस्तों चार्ज पे करके ही इसको डाउनलोड करवाता हूँ। दोस्तों थोड़ा सा आपका लाइक और सपोर्ट करते रहिए, और दोस्तों हम भी आपके लिए बहुत चीज़ें लेते आएंगे, वैकेंसीज की डिटेल्स लाते रहेंगे। एज लिमिट की बात करूँ तो इस पोस्ट के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल रखी गई है, मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। एज कैलकुलेट आपकी 15 जून को रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों एससी एसटी को इसमें छूट भी मिलने वाली है। टोटल पोस्ट की बात कर लेता हूँ कि कितनी कितनी पोस्ट आपकी रहने वाली हैं। चेकर यानी दोस्तों आपको चेक करना है सामान वालों को, उनकी है 7 पोस्ट। हेल्पर की है दोस्तों 1 पोस्ट। एमटीएस की बात करें तो 3 पोस्ट एमटीएस की रहने वाली हैं। गार्ड की बात करें तो दोस्तों 5 पोस्ट गार्ड की रहने वाले हैं। बिलिंग ऑपरेटर यानी बिल काटने वाले को, जो सामान लेगा दोस्तों कैंटीन में उसका बिल भी काटना होगा, उसके लिए 214 वैकेंसी हैं। स्टोर कीपर के लिए 3 वैकेंसी हैं, वहीं गेट कीपर की 1 वैकेंसी आपकी रहने वाली है। इसके अंतर्गत दोस्तों आपकी बात करें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों लगभग सबके अंतर्गत 10th पास मांगी गई, जैसे चेकर हो गया, हेल्पर हो गया, एमटीएस हो गया और गार्ड हो गया। इनमें दोस्तों 10वीं पास मांगी गई। अगर आप बिलिंग ऑपरेटर के लिए जाना चाहते हैं तो दोस्तों 10वीं पास प्लस बिलिंग का आपको ज्ञान आना चाहिए। स्टोर कीपर की वैकेंसी के लिए 10वीं पास प्लस कैंटीन का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके अलावा गेट कीपर के लिए भी 10वीं पास और जो यूनिट की कैंटीन होती है उसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। कई सारे कैंडिडेट ये सोच रहे होंगे कि क्या ये सिविलियन के लिए है या नहीं है। बिल्कुल ये वैकेंसी सिविलियन भी अप्लाई कर सकते हैं, तो घबराइएगा नहीं। पोस्टल एड्रेस में दोस्तों आपको फॉर्म में जो लिफाफा रहेगा उसमें भर के दिखा दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स ज़रूर नोट कर लीजिए, वो भी सेल्फ अटेस्ट यानी सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ के ऊपर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, तभी पश्चात आपको लिफाफे में डाल के भेजना है। सबसे पहले आपके एजुकेशनल डिटेल्स, अगर आपने 10th के अलावा भी कुछ कर रखा है तो वो भी आप भेज सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड, 1 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर कोई एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर रहा है तो। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के पास भी अगर नॉर्मल सिविलियन हो आप, तो भी अगर आप दोनों के पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो आप भेज सकते हैं। इसके अलावा ओल्ड डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट, जो मैंने बता दिया कि सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। अभी दोस्तों आते हैं इसके फॉर्म के ऊपर। दोस्तों ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसको दोस्तों थोड़ा सा ध्यान में दीजिए ताकि दोस्तों आपको दिक्कत ना है और आपका एडमिट कार्ड जरूर आ जाए। एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैंटीन स्टाफ एट URC जे एंड बेस सब एरिया दानापुर कैंट, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। उसके ऊपर नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस भी पोस्ट के लिए आपको दोस्तों सूटेबल लगता है, जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका दोस्तों यहाँ पे आपको नाम लिखना है।
ध्यान रखिएगा साहिबान, सभी पोस्ट आपको कैपिटल लेटर के अंतर्गत फिलअप करनी है। नेम ऑफ कैंडिडेट में आपका नाम आ जाएगा, वो भी आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद में दोस्तों इसके अंतर्गत दोस्तों साफ लिखा है, अगर आप कोई दोस्तों एक्सर्विसमैन हो तो रैंक मेंशन करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फादर्स का नाम आपका हो गया, इसके अंतर्गत पूछा गया है फोर्थ नंबर कॉलम में कि आप क्या हो, डिपेंडेंट हो, सिविलियन हो, इस एक्सर्विसमैन हो, विडो हो, तो आपको इसमें सिविलियन कर देना है क्योंकि हम सिविलियन ही अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों राइट साइड के अंतर्गत आपको यहाँ पे फोर्स मिल जाएगा, आपको लेटेस्ट फोटो चिपकाना है और उसके ऊपर आपका खुद का सिग्नेचर कर देना है ताकि ये भी सेल्फ अटेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेशनलिटी में आप इंडियन कर देना है, रिलीजन में जो भी आपका धर्म है वो कर देना है, कास्ट कैटेगरी ये यहाँ पे दोस्तों जो भी कैटेगरी आपकी जैसे ओबीसी है तो ओबीसी, जनरल, ई जो भी है वो कर देना है। डेट ऑफ बर्थ में आपकी डेट ऑफ बर्थ डालना है। नाइन्थ नंबर कॉलम इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके अंतर्गत आपकी डेट ऑफ बर्थ 15 जून 2024 को कितनी हो जाएगी वो काउंट करके लिखना होगा। आधार कार्ड नंबर 10 नंबर कॉलम में लिखना है। उसके बाद में 11 नंबर कॉलम के अंतर्गत पूरा एड्रेस लिखना है दोस्तों, विलेज, पोस्ट ऑफिस, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड कौन सा है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद में परमानेंट एड्रेस के अंतर्गत भी यही जानकारी फिलअप कर देनी है, जो आपका आप जहाँ रहते हो उसके एड्रेस। उसके बाद में ईमेल आईडी पक्का मेंशन करना है। और दोस्तों 14 नंबर कॉलम के अंतर्गत जो आपकी एजुकेशन है, जैसे 10वीं पास अब मैंने कर रखी है तो सीरियल नंबर 1 लगा के क्वालिफिकेशन में 10वीं पास करना है। उसके बाद नेम ऑफ स्कूल या कॉलेज के अंतर्गत दोस्तों जैसे मैंने VIS लिखा है, ये नेम ऑफ कॉलेज या स्कूल के अंतर्गत आ जाएगा, जैसे मैंने विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल से किया है। नेम ऑफ बोर्ड कौन सा है आपका दोस्तों, जैसे राजस्थान से कोई कैंडिडेट है तो RBSE आ जाएगा। ईयर ऑफ पासिंग आपने कौन से साल में पास किया वो लिखना है, और परसेंटेज आपके कितने आए थे उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देनी होगी। ये दोस्तों पेज 2 हैं, तो दोस्तों दोनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 भी थोड़ा सा देख लीजिए, जल्दी जल्दी हम बता देंगे। आपको पूछा गया कंप्यूटर का ज्ञान है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नहीं है तो नो कर देना है। बिलिंग कलर के लिए लेकिन कंपलसरी है दोस्तों, 16 नंबर कॉलम के अंतर्गत ये दोस्तों आप अगर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंतर्गत आपका रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की दोस्तों बात करें, इसके अंतर्गत बताया गया है कि इनक्लोअर्स यानी आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपकी जानकारी इसमें देने रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों 18 नंबर कॉलम के अंतर्गत ECM URC आप कोई कैंडिडेट हो एक सर्विसमैन के तो यस कर देना है, अदरवाइज नो कर देना है। 19 नंबर कॉलम के अंतर्गत दोस्तों नील कर देना है। उसके बाद में दोस्तों एनी अदर इन्फॉर्मेशन आपको कोई है तो यहाँ पे आपको जानकारी फिलअप कर देना है। और दोस्तों जो आपको नीचे की वो सिग्नेचर आपका करना है, और दोस्तों डेट जिस डेट को आप फॉर्म भेज रहे हो उस डेट को यहाँ पे लिख के आपकी सिटी मेंशन कर देने हैं। जो दोस्तों एक बार मेरे को डाउट है 17 नंबर कॉलम में, वो आपको मैं क्लियर करके दे दूंगा कमेंट सेक्शन के अंतर्गत। बात करते हैं दोस्तों लिफाफे की, तो दोस्तों लिफाफा भी इजी तरीके से मैं बताने वाला हूँ। आपको लिफाफा एक ही भेजना है, उसके ऊपर लिखना है टू के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चेकर, अगर आपने भर रहे हो तो चेकर लगा के कैटेगरी आपकी लिख देना है। टू लगने के बाद में दोस्तों जो एड्रेस है आपका, जो फॉर्म के अंतर्गत एड्रेस रहेगा, जैसे मैनेजमेंट कम्युनिटी कमिटी यूनिट रन कैंटीन हेडक्वार्टर झारखंड एंड बिहार सब एरिया दानापुर केंद्र डिस्ट्रिक्ट पटना 801503 बिहार, ये एड्रेस आपको लिखना होगा। उसके बाद में फॉर्म लगा के अगर जगह यहाँ बसती है तो यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा, अदरवाइज आप बैक साइड के अंतर्गत भी एड्रेस लिख सकते हो। एड्रेस को अच्छे से लिखना है दोस्तों विथ पिन कोड और मोबाइल सहित। उसके बाद में दोस्तों भेजना कैसे हैं, तो दोस्तों आपके पास अगर टाइम है तो आप नॉर्मल पोस्ट के साथ भी भेज सकते हैं, अदरवाइज आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी इसको भेज सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको फॉर्म के अंतर्गत पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। फिर भी दोस्तों आपका कोई भी शक या सवाल हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर हमसे पूछ सकते हैं, आपकी पूरी पूरी हेल्प की जाएगी। दोस्तों मैं आपको पूरा सपोर्ट करता हूँ, बस आपके लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल कम है, तो दोस्तों आप भी अपना सपोर्ट कीजिए।